हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक लार्ज कैप बैंक के बारे में। बहुत ही शानदार बैंक है, एचडीएफसी के टक्कर का बैंक है और आपको अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है तो इस तरीके के बैंकिंग स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। हर महीने कुछ क्वांटिटी में इस तरीके की बैंक के शेयर्स को अगर ऐड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इस तरीके की बैंक आपको बहुत शानदार रिटर्न बनाकर दे सकती है। अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं, इससे अच्छा इस कंपनी के बैंक के शेयर्स को अगर हर महीने बाय करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस बैंक के फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे और क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी रहनी चाहिए हमारी, किस तरीके से इसमें ट्रेड करना है और पोजीशन बनाने का कहां पर अच्छा मौका आ रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप अगर आप करते हैं तो आपको स्टॉक के बारे में पूरा नॉलेज नहीं मिल पाता और आधा अधूरा नॉलेज स्टॉक मार्केट में बहुत ही खतरनाक होता है। आधे अधूरे नॉलेज से आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत फर्क होता है। आप लोग इसके डिफरेंस को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपका बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं बन सकता। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल पैरामीटर से। फंडामेंटल पैरामीटर अगर देखें तो मार्केट कैप देखिए, आप स्टॉक का देखिए 3,19,864 करोड़ का, यानी कि लार्ज कैप, अल्ट्रा लार्ज कैप बैंक है। एचडीएफसी बैंक के बाद अगर देखें तो इस बैंक का नंबर आता है। करंट प्राइस अगर देखें तो 1,674 रुपए का चल रहा है। 52 वीक हाई अगर देखें तो 1,683 रुपए का बनाया है। 52 वीक लो अगर देखें तो 1,171 रुपए का 52 वीक लो बनाया है। इससे आप क्या देख सकते हैं, एक साल में लो भी लगाया और वापस हाई के करीब भी आया है। यानी कि स्टॉक मार्केट में यहाँ से आप क्या समझ सकते हैं कि कोई भी अच्छी कंपनी होगी, बैंक होगी, उसको अगर आप कम प्राइस पर, जब भी वो स्टॉक आता है अच्छी कंपनी, तब आप बाय कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा चांस रहता है कि शॉर्ट टर्म में भी आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं उस कंपनी से। स्टॉक मार्केट आपको ये हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। तो आप लोग ऐसे स्टॉक को हर महीने ऐड करते रहिए। डिविडेंड ये बैंक जो है ज्यादा अच्छा नहीं देती, लेकिन फिर भी कुछ डिविडेंड देती है। और सेल्स ग्रोथ देखिए, बैंकिंग के हिसाब से देखिए तो 3 साल में सेल्स ग्रोथ अच्छा हो रहा है इसका, 13.48% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है स्टॉक, तो हमेशा आपको डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा ही मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 29.97% का है, एक भी शेयर गिर भी नहीं है। और रिजर्व्स देखिए आप, 41,000 से ऊपर का रिजर्व है, 41,444 करोड़ का। तो फंडामेंटल पैरामीटर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करते हैं रेवेन्यू का, तो देखिए 6,628 करोड़ से 6,762 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉफिट भी बढ़ा है, फाइनेंशियल मार्जिन परसेंटेज बढ़ा है। उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट में भी देखिए बहुत ही जबरदस्त उछाल आया है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है और इसका अगर ग्रोस एनपीए भी देखिए वो भी 3 से ऊपर नहीं है, 3 के नीचे नीचे है। तो ये बैंक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा शेयर है। क्वार्टरली ट्रेंड इस स्टॉक का अच्छा चल रहा है। ईयर वाइज देख लेते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। तो रेवेन्यू देखिए आप 23,943 करोड़ से 26,042 करोड़ का हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा है। फाइनेंशियल अगर प्रॉफिट देखें तो वो भी बढ़ा है, फाइनेंशियल मार्जिन परसेंटेज कंसिस्टेंट है, नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी कंपनी का लगातार अच्छा बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है, डिविडेंड भी कंपनी देती है। उसके बाद देखिए इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं लास्ट 10 साल का, तब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए 22.82% का है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 33.20% का है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखिए 23.83% का है, आरओई देखिए 12.88% का है। तो फंडामेंटल्स में कंपनी की कोई भी दिक्कत नहीं है। बैंकिंग का शेयर है, अच्छा शेयर है, रिजर्व्स अच्छा पड़ा हुआ है, 41,000 करोड़ से ऊपर का रिजर्व्स पड़ा हुआ है। टोटल असेट्स भी अगर देखें तो 3,12,333 करोड़ की पड़ी है। कैश फ्लो देखें तो पॉजिटिव, कितना कैश फ्लो पॉजिटिव बैंक के पास पड़ा हुआ है, तो 5,055 करोड़ का रिजर्व्स अगर देखे नेट कैश फ्लो, यानी कि कंपनी के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है अभी भी अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए।
तो ओवरऑल देखते हैं तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है इस बैंक के। बैंक का मैं आपको नाम बता देता हूँ, बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। कोटक महिंद्रा बैंक प्रोवाइड्स अ फुल सुइट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स एनकैम्पेसिंग रिटेल बैंकिंग ट्रेजरी एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग में कंपनी काम करती है। इंडिया में है और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस दुबई में भी है। रिटर्न किस तरीके का बना के दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। 10 साल में देखिए 738% का रिटर्न बना के दिया है, 5 साल में पैसा डबल किया है, 3 साल में पैसा डबल किया है। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा कैप बैंक है, लार्ज कैप का बैंक है और 3 साल में पैसा डबल करके दे रहा है आपको। तो ऐसे स्टॉक में तो आपको पैसा जरूर लगाना चाहिए, लेकिन अभी ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है तो किस तरीके से ट्रेडिंग करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अच्छा बैंक या अच्छी कंपनी हो जाए अगर लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है तो उसमें हम एक साथ डायरेक्ट बड़ा अमाउंट नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़ा अमाउंट हमने लगाया और निफ्टी में करेक्शन आया और उस समय सपोज इस स्टॉक में भी करेक्शन आना स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कोई चांस ही नहीं रहेगा लॉस बुक करने के अलावा। क्योंकि हमारी साइकोलॉजी रहती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हम सोच तो लेते हैं कि 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन ये 1674 पे अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया और ये स्टॉक इसी महीने के अंदर अगर 1500 से नीचे आ गया ना तो उस समय हमारी साइकोलॉजी क्या रह जाएगी, बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। 10 साल का तो हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और हम सोचते हैं कि इस स्टॉक से कैसे बाहर निकल जाए इसी साल के अंदर ताकि हमारा लॉस कम से कम हो पाए। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनता है। आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है वो मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ। तो आपको साइकोलॉजी आपकी चेंज करनी पड़ेगी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी नहीं होनी चाहिए। हर एक ट्रेडिंग के लिए अलग साइकोलॉजी होनी आपकी जरूरी है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए इसका, तो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ा दी है, इंश्योरेंस कंपनीज ने होल्डिंग बढ़ा दी है, प्रमोटर की होल्डिंग में ज्यादा कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। 613 FIIs का पैसा लगा हुआ है और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग आप सभी को पता होगा उदय सुरेश कोटक 29.682% की होल्डिंग जो है हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है। तो प्रमोटर की होल्डिंग में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि टेक्निकली कहां पर ये स्टॉक जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए आप इसका, मैं आपको हाई पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले आप सबसे पहले नजर डालिए यहाँ पर मंथली चार्ट पर स्टॉक को लगाया है, यानी कि एक कैंडल जो है एक महीने की कैंडल है। तो आप लोग इससे कुछ सीखेंगे भी। आप देखिए टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले इस कैंडल को हमने देख लिया, यहाँ पर हाई लगाया था, इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। लगभग अगर देखें तो 1687 में 1690 का लेवल पकड़कर चल रहा हूं कि 1690 के ऊपर ये स्टॉक जब तक नहीं जाएगा तब तक अच्छा मूवमेंट नहीं दे सकता। आप देखिए 1, 2, 3 और 4 लगातार 4 महीने से इस लेवल को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इस लेवल को इस कंपनी ने तोड़ा नहीं है। यानी कि क्या हो सकता है कि इस कंपनी का अगर ये लेवल नहीं तोड़ा और निफ्टी में भी करेक्शन आया तो यहाँ से ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, इस पर हमें क्लियरली एक आइडिया लगा लेना है कि यहाँ पर हमें बड़ा अमाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में अभी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस कंपनी का अगर हम शेयर बाय भी करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हम इसके एक या दो दो स्टॉक करके बाय करना स्टार्ट करेंगे। अगर गिरावट होगी तो क्या होगा, वो एक साइकोलॉजी हम हमारे माइंड में रखेंगे कि अगर गिरावट होगी तो हम और बाय करते जाएंगे। क्यों बाय करते जाएंगे, क्योंकि इसने पिछला जो ब्रेकआउट दिया था वो आप देखिए यहाँ पर दिया था, तो जो ब्रेकआउट लेवल दिया था वो इसका रेजिस्टेंस बनेगा, यानी कि 1547 का। तो इस स्टॉक में अगर करेक्शन होता है तो 1547 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हर महीने शेयर को बाय करेंगे और जब भी 1547 पर आ जाएगा ये स्टॉक तब हम क्या करेंगे, अगर दो क्वांटिटी बाय कर रहे हैं हर महीने तो उस समय 5 या 6 क्वांटिटी बाय करेंगे और उसके नीचे देखेंगे। आप देखिए 10 का ईएमए आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 1519 का। तो 1500 का लेवल आप मानकर चलिए कि अगर इस स्टॉक में करेक्शन आता है तो आ सकता है, पहले से ही ये आप डिसाइड करके रखिए ताकि आपको क्या होगा जब इस स्टॉक में गिरावट आएगी तो आप ऐड करने का सोचेंगे ना कि एग्जिट करने का सोचेंगे। और अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप देखिए, मैं पास्ट में भी आपको बताता हूँ, अगर इस स्टॉक में मैक्सिमम से मैक्सिमम भी अगर करेक्शन आता है अगर कभी भी तो ये पर्पल कलर की लाइन के नीचे नहीं जाएगा। आप 2009 से 2000
10 से आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, इस पर्पल कलर की लाइन के नीचे ये स्टॉक अभी तक नहीं आया है और पर्पल कलर की लाइन जो है 30 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है मंथली चार्ट पर 1272 का, यानी कि 1300 रुपए के लेवल के आसपास में, यानी कि 1300 रुपए के आसपास आ जाता है तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उस समय आप अपना 10 से 20 हजार रुपए, 25 हजार या 30 हजार रुपए भी लगाना चाहते हैं तो उस समय लगाइए। लेकिन हम करते क्या है, जस्ट इसका अपोजिट हम क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ा अमाउंट लगाएंगे, फिर जब जैसे ही नीचे आएगा तो फिर हम सोचेंगे स्टॉक बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इस तरीके से सोचेंगे और फिर स्टॉक नीचे आता जाएगा, फिर भी हम सोचेंगे बढ़ेगा, और जब स्टॉक एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास आता है 1500 के आसपास में, तब हम सोचते हैं कि स्टॉक में लॉस बहुत ज्यादा हो गया है और फिर हम स्टॉक से एग्जिट हो जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। इस स्टॉक में आपको लेवल्स भी पता चल गए होंगे इस वीडियो के थ्रू, तो कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगातार एसआईपी मोड में बाय करें और ये लेवल्स मैंने आपको जो बताए वहां पर ज्यादा क्वांटिटी ऐड करें और आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर, देखिए 2018 के बाद से ये स्टॉक ने यहाँ पर 1406 का रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद करेक्ट कितना हुआ आप देखिए, 1100 के लेवल पर भी आया। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप एक दो महीनों से आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब ही है कि आपको होल्ड करके रखना है स्टॉक को, और गिरावट हो तब आपको ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी है। हमेशा इस तरीके से ही अपना मनी मैनेजमेंट रखिए, तभी आपका बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में बन पाएगा। आई होप आपको बनाए वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिल सके और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।